हाई एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल माई नेमी सुगंधा शर्मा आज की वीडियो में हम बात करेंगे नवंबर मंथ की टॉप सेवन जॉब वैकेंसीज़ के बारे में इस वीडियो को बनाते वक्त मैं चाहती थी कि हर वो पर्सन जो ये वीडियो देख रहा है उसके काम की कम से कम एक जॉब वैकेंसी ज़रूर निकले इसलिए मैंने कुछ चीज़ों का ध्यान रखा है पहला पॉइंट कि ये सभी जॉब्स जो हैं इसके लिए ऑल इंडिया से मेन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि कोई भी जॉब सिर्फ मेल्स या सिर्फ फीमेल्स के लिए हो या किसी भी जॉब के लिए सिर्फ एक स्पेसिफिक स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हो ऐसा नहीं है तो मेन एंड वुमेन फ्रॉम ऑल इंडिया कैन अप्लाई सेकेंड इसमें टेंथ पास के लिए भी जॉब है ट्वेल्थ पास के लिए भी जॉब है ग्रेजुएट्स के लिए भी जॉब है सबके लिए मैंने मिनिमम दो जॉब्स तो रखी ही है थर्ड आपकी एज 18 टू 42 के ब्रैकेट में अगर आती है यानी नो मैटर आप किस एज ब्रैकेट से आते हैं आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे हम शुरुआत करेंगे ग्रेजुएट्स के लिए जॉब में जिसमें हम तीन जॉब वैकेंसीज डिस्कस करेंगे देन ट्वेल्थ पास के लिए दो एंड देन टेंथ पास के लिए दो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जॉब वैकेंसी के साथ जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के डिपार्टमेंट से जिसमें जूनियर एक्जीक्यूटिव के पोस्ट पे जॉब वैकेंसी है इसमें टोटल 496 पोस्ट हैं फर्स्ट नवंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए थर्टीन नवंबर अप्लाई करने की लास्ट डेट है और इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो है वो ए के ऊपर ही आएगी तो अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी फिलहाल मैं बता दूँ जो ग्रेजुएट्स हैं या जो आप या तो आपने किसी भी सब्जेक्ट में अपना ग्रेजुएशन किया हो किसी भी स्ट्रीम में किया हो बी एस सी वाले अपलाई कर सकते हैं या जो बी वाले हैं बी वाले हैं जिनके फिजिक्स एंड मैथ्स थे एज अ सेमेस्टर सब्जेक्ट वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 18 टू 27 आपकी एज होनी चाहिए ये ग्रेड ए की जॉब है और इसमें सैलरी जो है रुपीज़ एटी टू एटी फाइव थाउजेंड आपको इनिशियली मिलेगी सेकेंड जॉब वैकेंसी की बात करते हैं जो ग्रेजुएट्स के लिए है ये है टेरिटोरियल आर्मी की तरफ से इसमें आर्मी ऑफिसर के पोस्ट के ऊपर जॉब वैकेंसी यानी अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप लेफ्टिनेंट बनेंगे टेरिटोरियल आर्मी रेगुलर आर्मी से थोड़ी सी अलग होती है रेगुलर आर्मी में आप फुल टाइम सर्व करते हैं बट तो टेरिटोरियल आर्मी के लिए सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो ऑलरेडी अभी किसी जॉब में है यानी फ्रेशर्स के लिए ये वाली जॉब नहीं है लेकिन उसके लिए कॉम्पेसेट करने के लिए फिर मैं इसी से इसके फॉर्म शुरू हुए अप्लाई करने की है। इसमें आपको सैलरी रुपीज सिक्सटी फाइव थाउजेंड मिलेगी और इसकी फॉर्म फीस रुपीज फाइव हंड्रेड है अगर आप फ्रेशर हैं तो ऑब्वियसली आप टेरिटोरियल आर्मी के लिए नहीं अप्लाई कर सकते इन दैट केस आप अप्लाई कर सकते हैं इंडियन नेवी की तरफ से एक शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर की पोस्ट निकली है जिसमें आप दस साल के लिए इंडियन नेवी में एज एन ऑफिसर सर्व करेंगे और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि जनरली डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको एक रिटर्न एग्जाम क्लियर करना पड़ता है लेकिन इसको हम डायरेक्ट एंट्री भी कहते हैं यानी आप बिना रिटर्न एग्जाम क्लियर किए डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जाएंगे सो सेकंड नंबर पे मैंने आपको दो जॉब्स बता दी या तो आप टेरिटोरियल आर्मी या आप इंडियन नेवी के लिए अप्लाई कर सकते हैं ओके थर्ड जॉब वैकेंसी के बारे में बात करते हैं जो है ए एफ कैट यानी एफ ओस कॉमन एडमिशन टेस्ट ये एक ईयरली एग्जाम है एक्चुअली ये साल में दो बार कंडक्ट किया जाता है तो उसको एग्जैक्टली ईयरली तो नहीं कह सकते साल में दो बार कंडक्ट होता है जिससे इंडियन एयर फोर्स ही कंडक्ट करती है और ये इंडियन एयर फोर्स में ऑफिसर बनने के लिए एग्ज़ाम होता है यानी अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो आप इंडियन एयर फोर्स में एज अ फ्लाइंग ऑफिसर कमीशन होते हैं इसके फॉर्म्स जो हैं वो जनरली लास्ट वीक ऑफ नवंबर या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में निकलते हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली 27-28 नवंबर के अराउंड इसके फॉर्म्स निकल सकते हैं एफ कैट के एग्जाम के लिए कोई भी ग्रेजुएट जिसकी एज 20 से 26 साल के बीच में है अप्लाई कर सकता है और इसमें डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं जिसमें ग्राउंड स्टाफ या ग्राउंड ड्यूटी वाली ब्रांचेस होती हैं देन इसमें फ्लाइंग ब्रांच होती हैं एंड इसमें टेक्निकल ब्रांच होती है तो तीनों के लिए अलग अलग स्ट्रीम्स मांगी होती है बट बेसिकली एनी ग्रेजुएट कैन अप्प्लाई फॉर दिस जब आप कमिशन हो जाएंगे एज ए फ्लाइंग ऑफिसर आपकी स्टार्टिंग सैलरी सिक्सटी फाइव थाउजेंड सेवेंटी फाइव थाउजेंड पर मंथ होगी एंड अगेन इसके लिए मैन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं फोर्थ फॉर्म जो निकलने वाला है नवंबर के लास्ट वीक में ये है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम यानी सीडीएससी का फॉर्म जिसको यूपीएससी कंडक्ट करवाता है हर साल दो बार जिसके थ्रू आप इंडियन आर्मी इंडियन एयरफोर्स फोर्स एंड इंडियन नेवी तीनों ज्वाइन कर सकते हैं इसके लिए मैन एंड वुमेन ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहेगी ये जो विमेन कैंडिडेट्स हैं वो सिर्फ आर्मी के लिए अप्लाई कर सकती हैं सीडीएस के थ्रू बट जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो आर्मी एयरफोर्स नेवी तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगेन सीडीएस के लिए कोई भी ग्रेजुएट जिसने किसी भी स्ट्रीम में अपना ग्रेजुएशन कितने भी पर्सेंट के साथ किसी भी ईयर में कंप्लीट किया हो और जिसकी एज बीस से पच्चीस साल के बीच में हो इसके लिए अप्लाई कर सकता है या कर सकती है एंड फॉर्म्स नवम्बर की लास्ट वीक या दिसंबर के फर्स्ट वीक में आउट होंगे इसमें भी आपकी सैलरी रुपीज पर मंथ तो ये थी सभी जॉब ग्रेजुएट्स के लिए लेकिन ग्रेजुएट्स को अभी वीडियो नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि उनके लिए आगे भी इसमें जॉब होगी इनफैक्ट इस पूरी वीडियो में जितनी भी जॉब वैकेंसीज हैं ग्रेजुएट्स उन सभी के लिए अप्लाई कर सकते हैं ट्वेल्थ पास के लिए फर्स्ट जॉब और इस वीडियो की फिफ्थ जॉब के बारे में बात करते हैं जो है ई यानी इम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की तरफ से जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आता है यहाँ पे कई सारी पोस्ट जैसे लोअर डिविजन क्लर्क अपर डिवीजन क्लर्क मल्टी स्टाफ एंड ऑफिसर्स के पोस्ट पे जॉब है डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट होने की वजह से क्वालिफिकेशन एंड एज जो इसमें मांगी गई है वो भी अलग अलग है सो लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए कोई भी टेंथ पास मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए कोई भी ट्वेल्थ पास अपर डिवीजन क्लर्क एंड ऑफिसर्स के लिए कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है अब इसमें क्योंकि क्वालिफिकेशन अलग अलग है इसमें एज भी अलग अलग है किसी किसी पोस्ट के लिए 18 टू 25 किसी किसी के लिए 18 टू 27 और किसी किसी के लिए 18 टू 30 एज मांगी गई है जो ग्रेजुएशन वाली पोस्ट है उसके लिए 18 टू 30 मांगी गई हैं जो ट्वेल्थ पास वाली हैं उसमें 18 टू 27 मांगी गई हैं जो टेंथ वाली हैं उसमें 18 टू 25 मांगी गई हैं यहाँ पे जो सैलरी है अगेन पोस्ट वाइज अलग अलग होगी इसके जो फॉर्म्स हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं नवंबर मंथ में ही इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बना दूं तो आप मुझे ज़रूर बताएं मैं क्यों कह रही हूं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाने का क्योंकि यहां पे 18,000 से ज़्यादा पोस्ट हैं करीबन 18,000 पोस्ट हैं तो आप इससे लगा सकते हैं अंदाज़ा कि अगर आप फॉर्म फिल करेंगे और अगर आप इसको क्रैक कर लेते हैं तो आपका डेफिनेटली इसमें सिलेक्शन होगा इनफैक्ट इस पूरी वीडियो में जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं उनमें सेकेंड हाइस्ट वैकेंसीज जो हैं वो ई में ही हैं तो अगर आप चाहते हैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो प्लीज़ कॉमेंट करके बता दें फिफ्थ जॉब वैकेंसी जो ट्वेल्थ पास कैंडिडेट्स के लिए है वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग जॉब वैकेंसी और किसी भी ट्वेल्थ पास के लिए हाईएस्ट पेड जॉब वैकेंसी है ये है नेशनल डिफेंस एकेडमी की तरफ से एनडीए के फॉर्म्स हैं जो नवंबर के लास्ट वीक या दिसंबर के फर्स्ट वीक में आएंगे एंड अभी तक इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं आई है लेकिन मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें बता दूँ एन के लिए कोई भी ट्वेल्थ पास जिसकी एज एटीन प्लस है अप्लाई कर सकता है और एन के थ्रू आपको डायरेक्ट जॉब नहीं मिलती है पहले आपका खड़क पुणे में सिलेक्शन होता है एज अ कैडिडेट जहाँ पर आप चार साल की ट्रेनिंग करते हैं उस चार साल में आपको स्टाइपिन मिलता है जो आपको विश्वास नहीं होगा विच इज़ मोर देन सैलरी ऑफ अ रेगुलर एम्प्लॉय इन एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट जॉब अगर आप uh, ट्वेल्थ पास बेसिस पर अप्लाई करते हैं अपर डिवीजन क्लर्क या मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए तब आपकी सैलरी थर्टी थर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज़ होती है लेकिन अगर आप एन में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका जो स्टाइपिन है यानी अंडर ट्रेनिंग आपको जो स्टाइपिन मिलता है वही थर्टी थर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज़ होता है तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी ये एन के लिए पहले सिर्फ मेल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते थे अब मेन एंड वुमेन दोनों के लिए वैकेंसीज ओपन होती हैं दो साल पहले ये प्रोविजन आया है सो फीमेल कैंडिडेट्स भी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगी इसके लिए आपने ट्वेल्थ पास किया हो किसी भी स्ट्रीम के साथ चलेगा इसके थ्रू आप इंडियन एयरफोर्स इंडियन आर्मी इंडियन नेवी तीनों ज्वाइन कर सकते हैं और इसे यू कंडक्ट कराता है इसके जो एग्ज़ाम्स हैं वो मार्च अप्रैल में होंगे लेकिन इसकी प्रिपरेशन आपको अभी से करनी पड़ेगी तो अगर आप इस साल एन के लिए अप्लाई करने वाले हैं डेफिनेटली इसकी और डिटेल्स आपको जरूर चेक करनी चाहिए जैसे कि क्या एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस रहता है सो दैट यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ ऑलसो इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी वो अराउंड सेवेंटी सेवेंटी फाइव थाउजेंड होगी लेकिन वो आज जो पर्सन एनडीए से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके कमीशन हुआ है एनडीए से ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप आई एम में देहरादून जाते हैं वहाँ से वहां पर आप एक साल और ट्रेनिंग करते हैं वहां से आप कमीशन होते हैं तो आज जो पर्सन uh, कमीशन हुआ है उसकी सेवेंटी सेवेंटी फाइव थाउजेंड सैलरी पर मंथ है लेकिन आप अगर आज एन डी ज्वाइन करेंगे पाँच साल बाद आ, आप आगे जाएंगे तो हर साल क्योंकि पे कमीशन बढ़ता रहता है उस टाइम के हिसाब से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटी फाइव नाइन्टी थाउजेंड रुपीज़ पर मंथ आपकी सैलरी होगी अब हम आते हैं टेंथ पास कैंडिडेट्स के लिए जॉब्स पे यानी अभी तक हमने छः जॉब्स डिस्कस कर ली हैं दो और जॉब्स बची हैं टेंथ पास के लिए जो फर्स्ट जॉब और इस वीडियो की सेवन्थ जॉब है वो इस पूरे वीडियो की वन ऑफ द तो बेस्ट जॉब वैकेंसी है जो है एस एस की तरफ से यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी इसके थ्रू आप आई टी बी पी सी आर पी एफ सी आई एस एफ बी एस एफ एन सी बी एस एस बी इन सभी में एज अ कांस्टेबल ज्वाइन करते हैं इन वैकेंसीज के लिए कोई भी टेंथ पास जिसने किसी भी ईयर में कितने भी पर्सन के साथ अपना टेंथ क्लियर किया है मैन एंड वुमेन दोनों जिनकी जो एज है वो एटीन टू ट्वेंटी थ्री के बीच में है वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इसके फॉर्म हर साल निकलते हैं और अब नेक्स्ट फॉर्म नवंबर में आने वाले हैं जिसके लिए डेट्स ऑलरेडी आ गई हैं ट्वेंटी फोर्थ नवंबर से इसके फॉर्म फिल होने शुरू होंगे ट्वेंटी एट्थ दिसंबर इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट होगी इसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं वो एटी थाउजेंड प्लस होंगी जो पूरे साल जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं उनमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं अगेन मेल एंड फीमेल दोनों इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे और जैसे ही इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा मैं उसके ऊपर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगी अगर आप इस तरीके की जॉब्स में इंटरेस्टेड हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप बेल आइकन हिट कर सकते हैं बेल आइकन इसलिए ताकि लास्ट डेट निकलने से पहले आपको वीडियो मिल जाए आपको ऊपर नोटिफिकेशन आ जाए ताकि आप वीडियो मिस ना कर दें इस वीडियो की एथ जॉब वैकेंसी एंड लास्ट जॉब जो टेंथ पास के लिए है ये है इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से मल्टी स्टाफ की इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ फिर भी आपको शॉर्ट में डिटेल्स देती हूँ उसमें टोटल 677 वैकेंसीज हैं जो अलग अलग पोस्ट पे हैं एम एंड सिक्योरिटी असिस्टेंट दो पोस्ट पर हैं इसके लिए कोई भी टेंथ पास जिसकी एज अठारह से पच्चीस के बीच में है अप्लाई कर सकता है या कर सकती है इसके लिए कोई इंटरव्यू नहीं होगा सिर्फ रिटर्न एग्जाम होगा जो एक बहुत अच्छी चीज़ है अपने आप अपने आप में इसके जो फॉर्म्स है ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं थर्टीन नवंबर उसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है और अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी सैलरी इनिशियली रुपीज़ थर्टी फाइव थाउजेंड पर मंथ रहेगी तो ये थी वो आठों जॉब वैकेंसीज जिसके लिए कोई भी टेंथ पास ट्वेल्थ पास या ग्रेजुएट मैन एंड वुमेन इंडिया के किसी भी स्टेट एंड सिटी से अप्लाई कर सकते हैं आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू अगर आपको इनमें से किसी भी जॉब वैकेंसी के बारे में फर्दर डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट्स करके बता सकते हैं इसके अलावा एस एस सी जी डी ए ए आई ए टी सी और एन डी ए सी डी एस एफ कैट के बारे में मैं एनी वे वीडियोज़ कवर करूँगी ही तो आई थिंक सिर्फ ई एस आई सी वाली जॉब रह रही है लेकिन अगर आप उस पर भी डिटेल नोटिफिकेशन चाहते हैं डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं आप मुझे कॉमेंट्स में बता सकते हैं